हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हरियाणवी विलेजर पे। फ्रेंड्स, आज मैं आया हुआ हूँ दादी गौरी जी के मंदिर बाड्या ब्राह्मण में। एक मंदिर दादी गौरी जी का उधर डाया, मैंने जो पहले वीडियो बनाई उसे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। फिर जो दादी गौरी के जो मंदिर हैं बाड्या जाटान और इधर बाड्या ब्राह्मण, तो मैं इधर बाड्या ब्राह्मण आया हुआ हूँ। तो बाड्या ब्राह्मण दादी गौरी जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर और बहुत ही विशाल मंदिर है। आप मेरे पीछे ये व्यू देख भी रहे होंगे मंदिर का। तो दादी गौरी जी की जो मंदिर की मान्यता है, दादी गौरी जी की जो मान्यता है उसे आप जानते हैं, बताते हैं कि ऐसी मान्यता है यहाँ पे किसी को अगर कोई जहरीला जानवर सांप या और कोई कीड़ा काट ले और वो यहाँ पे धोख लगाए, दादी गौरी जी का नाम ले, तो उसका वो कष्ट दूर होता है और वो जहर जो होता है वो उसे नहीं चढ़ता, ऐसी मान्यता है यहाँ की। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को पूरा देखिए। और सब्सक्राइब करते वक्त जो ये साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं शुरू, करते हैं दर्शन दादी गौरी जी के मंदिर के। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ना आपको बाहर का जो है ना व्यू दिखा देता हूँ, आप देखिए। फिर हम चलते हैं मंदिर की तरफ, मंदिर के दर्शन करते हैं और मंदिर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो जो श्रद्धालु हैं वो आते रहते हैं। तो चलिए करते हैं मंदिर में एंट्री। ये मंदिर का जो गेट है, तो मंदिर की तरफ चलते हैं हम। बाहर का व्यू मैंने आपको दिखाया। और मैं ना कुछ आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ जितना ये कुछ यहाँ पे इन्होंने वो बनाया हुआ है दीवार पे पेंटिंग। और वैसे हम पूछें भी गए, ये बताएंगे हमें। ये देखिए आप, ये कुछ अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मैं आपको मंदिर के जो दर्शन है वो करवा देता हूँ। काफ़ी विशाल मंदिर है ये दादी गौरी जी का, बाड्या ब्राह्मण। ये देखिए आप, ये जो दादी गौरी जी का मंदिर है, ये जो भीड़ होती है तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना लोग, जनसंख्या काफ़ी होती है, यहाँ आते हैं लोग, तब वीडियो बनाना थोड़ा आप समझ सकते हैं क्योंकि काफी भीड़ होने के बाद ना हम किसी से बात कर सकते हैं।
मैं ऊपर से इसका जो लोग फेरी लगाते हैं वो आपको वो दिखा देता हूँ। ये अभी देखिए आप, ये जो भक्तजन है अपने श्रद्धालु, ये आए हुए हैं अपनी श्रद्धा लेके, विश्वास लेके, इन्हें जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ इनकी दूर होगी, ऐसी यहाँ की मान्यता है। क्या हुआ इनको? गेट सब खोल दे। ये हम दर्शन कर रहे हैं दादी गौरी जी के, देखिए आप भव्य दर्शन माँ दादी गौरी जी। बाकी और फ्रेंड्स अभी है ना, एक किसी को कोई कीड़ा किसी को काट गया तो वो यहाँ पे आए हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ये लोग अपना जो झाड़ा लगाते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे झाड़ा लगा रहे हैं, वाला दो बुरा
फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी हमने देखा ना, एक किसी भाई को कोई कीड़ा काट गया होगा, तो वो लेकर आए हुए हैं। रोज का तो मैं बात करूँगा उनसे, पर चलो कोई बात नहीं। कई बार उचित सा नहीं होता बात करना, क्योंकि परेशानी में होते हैं लोग, और हम उनसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो अच्छा नहीं लगता। और ये फ्रेंड्स जो लोग आते हैं, उनके रहने की जो व्यवस्था करते हैं ये लोग, आप देख सकते हैं कमरे बने हुए हैं यहाँ पे। और इधर है ना, आप व्यवस्था देखिए, आप ये जो आप व्यवस्था देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जब भीड़ होती है, जिस टाइम लोग मेला लगता है, धोख मारने आते हैं लोग, तो यहाँ पे ये लाइन लगती है। मैं आपको दिखा दूँ, बीच में इन्होंने दान पात्र रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी हो, बिना माया के तो काम नहीं चलता ना, इसलिए ये दान पात्र रखे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे भंडारा भी होता है, लंगर वगैरह भी चलता है, इसलिए। बाकी मैं आपको ना मंदिर का पूरा जो व्यू है वो मैं दिखा रहा हूँ। पीछे आप देखिए, काफ़ी काफ़ी जगह है, खुला व्यू है एकदम। और बाहर भी धर्मशाला बनी हुई है, जगह जगह जेब कतरों से सावधान रहिए, ये भी लिखा हुआ है। हर किसी को है ना अपना थोड़ा थोड़ा काम चलाना होता है ना, तो लोग ऐसे लोग भी आ जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे यात्री लोग जो आते हैं उनके लिए ये जो धर्मशाला है बनाई गई है, ये श्री लक्ष्मी नारायण धर्मशाला, यहाँ पे देखिए आप। और यहाँ पे ये साथ में श्री हनुमान मंदिर भी है। दूर से मैं आपको जो व्यू है वो और एक बार फिर दिखा देता हूँ। उसके को धागा बांधा जाता है, उसकी नामना चाहिए है शक्ति के, मतलब अच्छा, जैसे अभी यहाँ पे आए हैं अभी ये लोग, देखे। ये मतलब और तो सारी मनोकामना पूरी करे है, अच्छा, सब तरह की मतलब रक्षक है, तो इसी तरह ये समाई भी इधर ये कह दी गई। अच्छा, यहाँ पे खुद यहाँ समाई दी। हर दुख दूर किसी की तकलीफें दूर करूँगा। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।